हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉइड फ़ोन के बारे में। अक्सर जब हम एंड्रॉइड फ़ोन चलाते हैं तो हमारे फ़ोन को हैक कर लिया जाता है, जैसे कि कॉल हमारी कोई और सुनता है, हमारे नंबर की कॉल कहीं और जाती है, या फिर हमारा फ़ोन हैक हो जाता है। तो ऐसे में हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। तो कैसे पता करें, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अपना जो फ़ोन है वो हैक है या नहीं, कैसे पता करें। चलिए मैं बताता हूं, और साथ ही साथ इसके साथ में ये चीज़ भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कॉल, अगर आपका फ़ोन हैक हो रखा है तो कैसे उसे ऑफ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके लाइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप मेरा आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाए। तो चलिए गाइज, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले गाइज, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अपनी कॉल, जो हमारी कॉल वगैरह है उनको हैक किया तो उसे कैसे रोकें, अगर हैक कर रखा है या नहीं वो पता कैसे करें। चलिए, उसके लिए सबसे पहले आप अपने डायलर में जाएंगे, और गाइज डायलर में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है *#2*#6#2#, ठीक है, उसके बाद इसे डायल कर देना है। ठीक है, इसके बाद इसको जैसे ही डायल करना है, *1*2*, किसी से भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, लोडिंग ले रहा है आप लोगों के सामने। एंड इसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे मैसेजेस लिख के आ चुके हैं, और कॉल फॉरवर्डिंग, वॉइस नॉट फॉरवर्डेड, डाटा नॉट फॉरवर्डेड, मतलब कि कोई भी चीज़ हमारी यहाँ से फॉरवर्ड नहीं की जा रही। अगर की जा रही होती तो यहाँ पे फॉरवर्डेड लिखा हुआ होता, नॉट फॉरवर्डेड नहीं लिखा हुआ होता, जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। वायदे पे अगर आप लोगों का, मान लीजिए यहाँ पे फॉरवर्डेड लिखा हुआ आ रहा है या फिर कुछ और लिखा हुआ आ रहा है, तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं, चलिए उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप को उसके लिए क्या करना है। फिर से आपको डायलर ओपन करना है, ठीक है, और डायलर में आपको टाइप करना है, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि डायलर में क्या करना है। ठीक है, *#002*#002, और उसके बाद में फिर से हैज आपको डायल कर देना है। ठीक है, 1 से ही डायल कर दें, 2 से डायल कर दें, किसी से भी आप लोग डायल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायल किया, और अगर कोई भी मेरी कॉल वगैरह या फिर कुछ भी एक्टिव हुई होती यहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैंसिल हो जाती, तो देख सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस हैज बीन डिसेबल, यानी कि अगर कोई होती तो भी डिसेबल हो जाती, फिलहाल थी नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि आपको अपने फोन में एप्लीकेशंस को हैक होने से कैसे बचाना है। जैसे कि हमारे फोन में एप्लीकेशंस वगैरह हैक कर लेते हैं, उसके लिए आपको फोन की सेटिंग्स में जाना है। फोन की सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक गूगल का ऑप्शन मिलेगा, गूगल सभी के फोन में रहता है, गूगल वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे गूगल वाले में जाने के बाद में यहाँ पे एप्स का ऑप्शन मिलता है, एप्स करके, ठीक है, तो उस पर आपको क्लिक करना है, सेटिंग फॉर गूगल एप्स, इस पर क्लिक करना है, कनेक्टेड एप्स पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको बताएगा कि कनेक्टेड ऐप क्या क्या, कौन कौन से कनेक्टेड ऐप हैं जो हमारे इस आईडी से कनेक्टेड है, एप्स विद एक्सेस टू योर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी साफ साफ नजर दिखा देगा कि यहाँ पे कौन कौन से हैं, यू हैव टू गिव मेरी सर्विस से यहाँ पे कोई भी ऐप जो है वो एक्टिवेट नहीं है, मेरे फोन को किसी भी फोन ऐप से जो है एक्सेस नहीं किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि हमारे जो फोन है उसे, हमारे फोन का कोई भी ऐप जो है एक्सेस नहीं कर रहा है, वरना हमारी जीमेल आईडी यहाँ पे साफ नजर आ जाती कि यहाँ पे कुछ है या नहीं, क्योंकि हमारी जीमेल आईडी यहाँ पे शो नहीं हो रही है, बट यहाँ पे हमारे फोन को कोई भी एक्सेस नहीं कर रहा है, साफ साफ आप लोग देख सकते हो कनेक्टेड ऐप्स पे जाके। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, अदरवाइज अपनी और भी जीमेल आईडी आप लोग यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं मैसेज के लिए, मैसेज पे क्या आप लोगों को करना रहेगा कि हमारे कोई मैसेजेस वगैरह तो ट्रैक नहीं कर रहा, क्योंकि आज के टाइम पे मैसेजेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ओटीपी जाने से ही आपका पूरा बैंक अकाउंट तक खाली हो सकता है। चलिए मैं बताता हूँ कि आप अपने मैसेजेस को हैक होने से कैसे चेक कर सकते हैं, हैक हुए हैं या नहीं। सेकेंड गाइज, आप लोगों को करना क्या है कि आपको सेम वही सेटिंग्स में जाना है, गूगल एप्स में जाना है। ठीक है, एंड इसके बाद में डिवाइस एंड शेयरिंग, ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे वहीं पे आ जाना है आप लोगों को जहां से हमने बताया था। ठीक है, डिवाइस एंड शेयरिंग का एक ऑप्शन मिलता है, और एक मिलता है मोबाइल डाटा एंड मैसेजिंग, मोबाइल मैसेजिंग डाटा वगैरह पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिवाइस फोन नंबर दिखाएगा, यहाँ पे आप ही का मोबाइल नंबर दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे जो सिम आपने डाल रखी होगी वही यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखाएगा। अगर वही मोबाइल नंबर का जिसके अंदर शो करता है, तब आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर आपके सिवा जो सिम आपका नहीं है वो नंबर यहाँ पे शो करता है, तो यहाँ पे एक डिस्कनेक्टेड का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो वहां से डायरेक्टली आप डिस्कनेक्टेड कर देंगे, तो इस तरह आपके फोन के मैसेज वगैरह को भी कोई हैक नहीं कर पाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद है, तो लाइक जरूर करना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।